अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है रेडिएटर की मोटर का एम्पियर चेक करेंगे कि रेडिएटर की जो मोटर होती है डीसी मोटर, ये कितना एम्पियर यूज़ करती है। ये मोटर मेरे पास पड़ी हुई है, मैंने इसकी एक अलग से वीडियो बनाई हुई जिसमें मैंने इसको खोल के दिखाया है इसके अंदर क्या क्या होता है और ये किस तरह जो है काम करती है। आज हम जो है सिर्फ इसके एम्पियर चेक करेंगे। तो एम्पियर चेक करने का क्या फॉर्मूला है कि आपके पास कोई भी डीसी सोर्स होना चाहिए। आपने क्या करना है कि ये मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास एक डीसी सोर्स है जो मैंने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है और ये जो डीसी सोर्स है ना, यानी कि लैपटॉप का चार्जर है, ये निकाल रहा है 3.4 एम्पियर इस चार्जर की जो है पावर है। तो मैंने क्या किया है कि आपको ये दिखाना है कि 3.4 एम्पियर पर ये मोटर नहीं चलती, क्योंकि ये 3.5 एम्पियर की मोटर है, यानी कि 4 एम्पियर के करीब अगर करंट होती है सही अच्छी तरह चलती है, लेकिन इसको अगर बार बार हम इस तरह जो है इसके साथ टच करें तो मोटर फिर चलने भी लग जाती है। तो आपने क्या करना है कि अगर आप इस भी मोटर का एम्पियर चेक करना चाहते हैं तो आपको करना ये होगा कि ये जो कॉमन वायर है ना, या कोई भी वायर, आप एक जो है उसके पॉजिटिव के साथ आपने इस तरह जोड़ देनी है और जो ये दूसरी वायर है ना, इसके साथ आपने ये टर्मिनल जोड़ देना है इसका मल्टीमीटर का। ये इस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ, लगा के मैंने जोड़ दिया इधर, और जो मोटर की अब दूसरी वायर बची है ना, वो आपने अब इसके साथ लगानी है, ये जो टर्मिनल है मल्टीमीटर का। और मल्टीमीटर को आपने 200 मिली एम्पीयर पे सेट करना है इस वक्त अपनी मोटर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये आप देख ले, मैं आपको दिखा देता हूँ क्लोज में, मल्टीमीटर जो है इस वक्त ये 200 मिली एम्पीयर पर सेट है। मल्टीमीटर मैं इधर रख देता हूँ और ये लाइट की हमें कोई खास जरूरत नहीं है, और मोटर के ऊपर मैं हाथ रखूँगा। उसके अलावा ये कनेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कनेक्शन हुआ पड़ा है, ये देख लें। और एक वायर जो है मोटर के साथ लगी है, एक वायर मल्टीमीटर के पास जा रही है और एक मल्टीमीटर से ये आ रही है, ये मोटर के साथ मैं इधर लगाऊंगा तो मोटर जो है चलने लगेगी। और आपने मीटर पे भी गौर करना है, ये देख लें कि मोटर जो है शुरू शुरू में जो मोटर है ये सिर्फ झटके लेती है, ये देख लें आप। और आप एम्पेयर देखें तो एम्पेयर जो है मोटर बहुत ज़्यादा ले रही है, यानी कि चार्जर के जो एम्पेयर हैं उनसे ज़्यादा मोटर को चाहिए और इसलिए मोटर जो है चल नहीं रही। लेकिन इसको चलाने का एक तरीका है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, ये देख लें आप। मोटर जो है इस वक्त चल रही है और एम्पेयर आप देख लें, एम्पेयर जो ये यूज़ कर रही है 3.3 और 3.4 के करीब करीब एम्पेयर यूज़ करती है, यानी कि ये जो अगर आप इसको मुकम्मल इस तरह इसके साथ टच करते ना तब ये मोटर नहीं चलती, ये देख लें। अगर आप इस तरह हल्का हल्का टच करें तब जो है मोटर चलने लग जाती है, ये देखें। लेकिन मोटर को चलने के लिए जो है एम्पियर जो है काफ़ी ज़्यादा चाहिए, यानी 3.3 से ज़्यादा एम्पियर चाहिए। तो अभी मैं इसको जो फुल टच करूँगा आप मीटर पे देखेंगे रीडिंग जो है 3.3 से बहुत ज़्यादा होती है, ये देखें आप, ये देख लें। इस वक्त 7.6 एम्पियर जो है लास्ट में इसने शो किया। अभी आप दोबारा देखें, मैं इसको टच करूँगा फुल, ये देखें। जबकि अगर इस तरह हल्का हल्का इसको मैं जुगाड़ी तरीके से चलाता हूँ तो फिर आप देखें कि ये चल जाती है, ये आप देख लें इस पर ये मोटर जो है चल रही है। तो दोस्तों, आज की छोटी सी वीडियो थी, किसी भी मोटर का एम्पियर चेक करने के लिए आप इस तरह एम्पियर चेक कर सकते हैं, चाहे वो एसी हो या डीसी हो। उसके लिए आपको एक कनेक्शन इस वीडियो में दिखाई गई हिदायत के मुताबिक लगाना है, और ये जो पोर्ट आप देख रहे हैं ना, ये इसमें इसी तरह लगानी है आपने, कि ये जो ब्लैक है ये ब्लैक में हो, कॉमन में, और रेड जो है ये एम्पियर में आपने लगानी है। तो आप इस तरह जो है किसी भी डीसी मोटर की एम्पियर चेक कर सकते हैं, किसी भी डीसी बल्ब की, एलईडी की, फ्यूल पंप की आप एम्पियर इस तरह चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इसको दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई आने वाली तमाम नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।